हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बटर। तो मैंने यहाँ पे ये बटर घर पे बनाया हुआ है। बहुत इजी तरीके से आप घर पे बटर बना सकते हैं। बहुत मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट की यूज नहीं होते हैं। आप आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। अभी क्या है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। अगर बाहर आपको बटर नहीं मिल पा रहा है, आपको बटर की ज़रूरत है, तो आप घर पे घी तो मिलता ही है, सबके घर पे घी अवेलेबल होता ही है, तो आप घी से बटर बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने घर का बनाया हुआ बटर है और ये मार्केट का है, तो कोई मतलब बता नहीं सकता कि ये घर का है और ये एक मार्केट का है। तो ये देखिए, मैंने बहुत आसानी से, मात्र मुझे 3 मिनट लगे हैं, 3 मिनट में आपका बटर बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मैं काट के भी आपको दिखाती हूँ, आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये देखिए। तो चलिए हम बताते हैं कि हम किस तरीके से बटर बना सकते हैं और मैं प्रोसेस भी बताती हूँ कि क्या क्या करना है आपको। तो बटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक खाली बाउल, एक कप घी, और यहाँ पे मैंने आइस क्यूब लिए हैं जिसको हम घी में डाल के बटर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए, यहाँ पे मैं बाउल में एक कप घी डालूंगी। और अब हमें आइस क्यूब डालना है, तो 5 से 6 हम आइस क्यूब डालेंगे और इसको अच्छे से कंटिन्यूस अच्छे से हमें ऐसे मिक्स करना है। बस आपको डालते जाना है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा ये जो घी है सेट होने लगेगा बर्फ में और बटर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। आपको 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही कंटिन्यूस चलाना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा सेट होने लगा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे। कंटिन्यू आपको चलाते जाना है। ये देखिए, ये सेट होने लग रहा है। ये देखिए ये बटर के फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा और इसको चलाएंगे। ये देखिए, ये अभी बटर बन चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है मुझे, 2 से 3 मिनट ही लगे हैं। ये देखिए, अब हमें इन आइस क्यूब को निकाल देना है। ज़्यादा देर तक इसमें डले नहीं रहने देना है, वरना ये पानी के फॉर्म में बदल जाएगा। ये देखिए, बटर रेडी हो चुका है। ये देखिए, और आइस क्यूब मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, अब इनका कोई यूज़ नहीं है। ये देखिए, ये बटर बन चुका है। अब हम इसको इन 2 बॉक्सेस में भर देंगे। आपके पास जो भी बॉक्स हैं तो आप उसमें भर सकते हैं। ये देखिए, सारा मैंने इसमें भर दिया है। ये एक ही कंटेनर में आ गया है, तो दूसरे कंटेनर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, ये अच्छे से जम गया है। अब हम इसका कैप लगा के इसको, ये मेरे पास चीज़ का था कंटेनर, तो उसमें मैंने रखा हुआ है इसको। आपके पास जो भी कंटेनर है तो आप उसमें रख सकते हैं। तो अभी हमारा बटर
तैयार नहीं हुआ है। अभी हमें इसको क्या करना है, इसको डीप फ्रीज में आपको रखना है 10 से 15 मिनट या सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए आपको रख देना है। फिर मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, डीप फ्रीज में रखने के बाद बटर हमारा सेट हो चुका है। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है, ये देखिए। और मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट वाला बटर, ये देखिए ये मार्केट का है और ये हमने घर पे बनाया है। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि कौन सा मार्केट का है कौन सा घर का है, तो आप इजीली आप घर पे ही बटर बना सकते हैं। ये देखिए कितने आराम से ये निकल भी जाएगा अगर आपको यूज़ करना है। ये देखिए अब मैं इसको इसमें बॉक्स में से निकाल के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैं इसमें से निकालती हूँ इसको एक प्लेट में। ये देखिए कितना अच्छा बटर बन चुका है। मैं इसको काट के भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये देखिए ये बटर मैंने बनाया है और ये मार्केट का है। ये देखिए सेम टू सेम बन गया है बटर। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आराम से आप घर पे इसको बना सकते हैं। सो इसको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 2 से 3 मिनट लगे हैं। 2 से 3 मिनट में आपका बटर बनके रेडी हो जाएगा। फिर आप इसको डीप फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने रख दीजिए। इजीली आपका बटर आप बना सकते हैं घर पे। सो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप बनाते हैं तो। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो भी आप कमेंट में बताइएगा। तो मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या अदर कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।